फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार जॉब थेरेपी को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया कुछ वीडियो पोस्ट करूँ जॉब रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है जॉब थेरेपी पे। फ्रेंड्स, आज जो वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से है, जो कि सिविल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है जो जूनियर इंजीनियर पोस्ट में होगी। सो आगे देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कहाँ पे क्या क्या पोस्ट है, कितना। यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स रखा गया है कि आपका वेबसाइट लिंक ओपन होगा 7/1/2019 से लेकर 27/1/2019 तक। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन 7/1/2019 से 27/1/2019 तक। और आपका टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ़रवरी 2019 में दिया गया है। तो आगे देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज है जोन वाइज। यहाँ पे इस जोन में आपका दो वैकेंसीज है, एक ओबीसी के लिए एक जनरल के लिए, टोटल दो है। वेस्ट में आपका एक एसटी के लिए है, दो ओबीसी के लिए है, चार जनरल के लिए है, टोटल सात है। नॉर्थ में आपका ओबीसी के लिए एक है, जनरल के लिए दो है, सो टोटल वैकेंसी आपका तीन है। साउथ में आपका एक ही वैकेंसी है जो कि जनरल के लिए है। और सेंट्रल में आपका ओबीसी के लिए एक है, जनरल के लिए एक है, और आपका टोटल वैकेंसी दो है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है वो सिविल के लिए है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। अब इलेक्ट्रिकल के लिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए इस जोन में आपका जनरल के लिए एक पोस्ट है। वेस्ट में आपका एसटी के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक है, जनरल के लिए दो है, और टोटल पोस्ट उसमें चार हैं। नॉर्थ में आपका ओबीसी के लिए एक है, जनरल के लिए एक है, और टोटल दो है पोस्ट। साउथ में आपका एक ही पोस्ट है जनरल के लिए, और सेंट्रल के लिए आपका एक ही है जनरल के लिए। सो आगे देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे इस जोन में मतलब जोन वाइज दिया गया है, सो आपको पता होना चाहिए कि जोन कौन सा स्टेट के अंदर आता है। ठीक है, सो इस जोन में आपका है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वेस्ट जोन में आपका महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग विदर्भा रीजन, ठीक है, गोवा आता है, यूनियन टेरेटरीज ऑफ दादरा एंड नागर हवेली, गुजरात, यूनियन टेरेटरीज ऑफ दामन एंड दीव। नॉर्थ जोन में आ रहा है आपका दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, उत्तराखंड और यूनियन टेरेटरी ऑफ चंडीगढ़। साउथ जोन में आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, लक्षद्वीप आइलैंड। सेंट्रल जोन में आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, और आगे देख लेते हैं डिटेल्स क्या क्या है। यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि आपका एज 20 से 30 इयर्स होना पड़ेगा एज ऑन 1/1/2019। ठीक है, और जो कि रिलैक्सेशन दिया गया है एससी और एसटी के लिए 5 इयर्स, दैट इज़ अप टू 35 इयर्स, एंड ओबीसी के लिए 3 इयर्स, दैट इज़ अप टू 33 इयर्स। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स दिया गया है फॉर जनरल, 13 इयर्स ओबीसी और 15 इयर्स फॉर एससी एसटी। और एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है 3 इयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 इयर्स। जो कि विडोज, डाइवोर्स वुमेन है, जुडिशियली सेपरेटेड, वो आर नॉट रिमेरिड, उन लोगों के लिए भी दिया गया है यहाँ पे 10 इयर्स। और जो कि जे एन के की मतलब कैंडिडेट्स है उन लोगों के लिए 5 इयर्स दिया गया है। और एडुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एज ऑन 1/1/2019। यहाँ पे सिविल इंजीनियर के लिए है आपका मिनिमम 65% होना चाहिए फ्रॉम ए बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जो कि 55% फॉर एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी। और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 55% मार्क्स, 45% फॉर एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी। मतलब यहाँ पे आपका डिप्लोमा या तो आप मतलब डिप्लोमा या फिर डिग्री, अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी एक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, डिप्लोमा डिग्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका परसेंटेज होना पड़ेगा, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो 65%,
और मिनिमम 55% फॉर SC ST PWD, और अगर डिग्री की है तो 55% जनरल के लिए और 45% SC ST PWD के लिए। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपका डिग्री के साथ या फिर डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए एज ऑन 1/1/2019। ठीक है, जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल्स के लिए, सिविल के लिए है 2 ईयर्स एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर्स और एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर्स। ठीक है, इन एग्जीक्यूशन सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क एंड और सिविल मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग्स। ठीक है, इसमें आपका होना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिकल के दिया गया है 2 ईयर्स फॉर डिप्लोमा होल्डर्स एंड 1 ईयर फॉर डिग्री होल्डर्स इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन लार्ज बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैविंग STLT सबस्टेशन, सेट्रल एसी प्लांट्स एक्सेट्रा। फिर और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका दिया गया है कि हैंडलिंग एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इंटीरियर वर्क्स ऑफ बिल्डिंग, रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर सिस्टम, जो कि सिविल के लिए है, और इलेक्ट्रिकल के लिए हैंडलिंग एंड सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जो आपको पता है अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या काम होना पड़ेगा वहाँ पर। सो आपका स्कीम ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और LPT होगा, जो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका 300 मार्क्स का टोटल, जिसमें से आपका इंग्लिश लैंग्वेज का 50 क्वेश्चंस रहेगा जिसमें 50 मार्क्स रहेगा। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 में आपका 40 क्वेश्चंस रहेगा जिसमें 100 मार्क्स होगा। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2 में आपका 40 क्वेश्चंस रहेगा जिसमें 100 मार्क्स होगा। और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस रहेगा जिसमें 50 मार्क्स रहेगा। सो आपका टोटल क्वेश्चंस होगा 180, मैक्सिमम मार्क्स 300 रहेगा। अभी बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये मतलब ऐसा टेस्ट है जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद होगा। ठीक है, रेस्पेक्टिव जोन्स में होगा वो, कि वहाँ का मतलब आप किसी भी जोन से मतलब अप्लाई कर रहे हैं तो उसी जोन का किसी भी स्टेट का एक लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक मतलब और इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया कि एक कैंडिडेट हैज़ टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली। मतलब आपको सब पार्ट में मतलब मिनिमम मार्क्स लाना ही है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और एक चीज़ फ्रेंड्स मैं यहाँ पे मतलब बताना चाहता हूँ कि फाइनल सिलेक्शन जो है आपका कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो है ही, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड LPT के थ्रू ही मेरिट बनेगा आपका। ठीक है ना, सो सब स्टेप्स अच्छे से क्लियर करना होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तो आप लोग का तो वो लोग ही करेगा, लेकिन वो अच्छे से थोड़ा मतलब करते, कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है, गलत कर देते हैं किसी किसी। अगर आपका सपोज TCS में दिया तो वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अगर TCS में नहीं रहा, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में छोटा मोटा दे दिया, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम करता है वो लोग। सो आपका पे स्केल देख लेते हैं यहाँ पे कितना रहेगा। पे स्केल आपका रहेगा 21,400 पर मंथ। ठीक है, जो कि आपका टोटल आपका मतलब मंथ में मिलेगा 49,026 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा। और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए एक मतलब सुविधा है कि वो लोग 2 मोर एडवांस इंक्रीमेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स यही था। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली ऑनलाइन RBI के वेबसाइट में जाके। ठीक है, सो गाइस आपको इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।